क्या 200? 200 मेरा कुछ होगा ही नहीं इसमें, 200 का तो ये आधी दूर में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पुलिस चेक पोस्ट है, साइड से निकल जाओ ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो पुलिस वाले रोक लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी भैया। मेरा तो एक ही असूल है, फ्रेश होने से किसी को मत रोको भाई। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं अगेन फिर से उदयपुर के लिए। पिछली बार बिल्कुल सही से कुछ हो नहीं पाया था रिकॉर्डिंग, तो इस बार भाई अब उस चीज़ को पूरा करेंगे। सो पिछली बार तो हम लोग वाराणसी गए थे तो स्कूटी पे थे भाई जिया जी, तो इस बार अब बाइक का पूरा कंप्लीट सेटअप बन चुका है अपना। तो हम लोग अभी हम निकल रहे हैं फिर से उदयपुर के लिए एक बार फिर से, और देखते हैं इस बार भाई सही से एकदम अपना माइक पे अपना सही से काम करें तो फुल ऑन एकदम मस्ती करेंगे। आगे फ्यूल भरा रहे हैं। हाँ आगे भरवाते हैं, आगे भरवाते हैं। शीशा लग रहा भाई टेढ़ा हो गया, अभी गाड़ी खड़े खड़े गिर गए थे, कमाल की बात ही है। अब दो बार मैं गिरा हूँ गाड़ी से बट खड़े खड़े ही गिरा हूँ। देखते हैं भाई शीशे भी सेट करना पड़ेगा, अब ज़्यादा ही नीचे हो गया शीशा। यार बताना जरूर कि मतलब ऑडियो क्वालिटी कैसे आ रही है, पिछली बार तो बिल्कुल क्वालिटी मेरी बिल्कुल ख़राब हो गई थी क्योंकि मैंने बोया का माइक यूज़ किया था। इसमें मैंने अपना रोड का माइक यूज़ किया है, तो भाई उम्मीद है कि अच्छी क्वालिटी आएगी क्योंकि भाई पैसे भी काफ़ी इन्वेस्ट कर दिए हैं इसके ऊपर। सो देखते हैं क्वालिटी कैसे आ रही है, बाकी मज़ा तो काफ़ी आ रहा है गाड़ी चलाने में, बाकी असली मज़ा आएगा उदयपुर में। पिछली बार जहाँ जहाँ नहीं जा पाए थे वहाँ जाएंगे, और उम्मीद है भैया भगवान इस बार बारिश ना करे कि पिछली बार पूरा बारिश कर दिया था, और इस बार भी बारिश हो गया तो फिर हमें फिर माइक को मुझे अंदर ही करना मतलब गोप्रो को अंदर ही करना पड़ेगा। भाई HP पेट्रोल पंप का रूल है भाई, पेट्रोल भराओगे तो गाड़ी से उतरना पड़ेगा, और गाड़ी पता ही है भैया पूरी फुल्ली लोडेड है अपना, अब उतरोगे तो फिर भाई दिक्कत है फिर, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि भैया इसमें दिक्कत है, आगे वाले मतलब वो तो भरवा लो भाई। चलो आगे मिलेगा तो भरवा देंगे इंडियन पेट्रोल पंप, मुझे भी सबसे बड़ी बेस्ट इंडियन पेट्रोल पंप ही लगता है, बाकी अपने को HP हजम नहीं होता है बिल्कुल, ना अपने को होती है ना अपनी गाड़ी को हजम होती है। गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है, तो यार मैंने आपको बताया नहीं कि मैं कैसे गिर गया था गाड़ी से, तो थोड़ा अपना GoPro अपना माउंट सेट करा था क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा सेट हो रहा था, तो मैंने साइड स्टैंड पे लगा रखा था अपनी गाड़ी, सो अनबैलेंस है भैया गाड़ी खड़े खड़े ही गिर गई है राइट साइड की तरफ। अब पकड़ने के चक्कर में मैंने जोर लगाया तो हाथ में चोट भी आ गई थोड़ी सी, बट चोट इतनी भी नहीं आई है, नॉर्मल ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये अपना कैमरा तो सेट हो गया, अब आगे चल के देखूँगा कि भाई एंगल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उधर अपना काफ़ी मज़ा आया था, बस बारिश ने थोड़ा मूड ख़राब कर दिया था, और थोड़ा अकेले भी था तो थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा था, इस बार थोड़ा भाई साथ में तो इस बार प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार मैंने सारा अपना सामान प्रिपेयर कर लिया है और जितनी भी चीज़ें राइड के लिए चाहिए सब मैंने रेडी अपना बस मतलब अरेंज करके रखा हुआ है अपने भाई टॉप बॉक्स में, और टॉप बॉक्स भी एकदम अपना कमाल का मिल गया, जो मुझे चाहिए था वही मिल गया। तो शुक्र है हम लोग रात में जा रहे हैं, दिन में होते तो अभी तक भाई रेंगते रेंगते जा रहे होते हैं एकदम कछुए की तरह, काफ़ी जाम लगता है यहाँ पे। दिल्ली है भाई सबको पता ही होगा दिल्ली का क्या हाल है।
अरे यहीं भरवा लेते ना, भरवा लो से। लग रहा है बाइक का है। और आगे ना फुल कर देना भैया। ठीक है ना? क्या 200 में तो कुछ होगा ही नहीं इसमें। 200 का तो ये आधी दूर में खत्म हो जाएगा। नहीं क्या कार्ड से कर रहा हूँ मैं, कार्ड से हो जाएगा? नहीं कार्ड से ही, कार्ड से ही करना है। पर्स दे देना। हाँ पूरा पूरा। नहीं नहीं हो रहा है, हाँ बजाज वाला दे दो। 1050 ये पड़ गई मेरे को, 3 की पड़ गई है। तो बुलेट की करी हुई है ये? हाँ बुलेट की बराबर है ये। ये रॉयल एनफील्ड की है। कितने की? रॉयल एनफील्ड कितने की? 3-3 लाख रुपए की। कितने बता रही है? बुलेट ही ले लो। ये भी तो सही है, ऐसे ले लो। हो गया, चलें। ये बताओ बुलेट इतने की कहाँ आती है यार? अरे मेरे भैया, सो दोस्तों एग्जैक्ट अभी बज रहे हैं 6:32। सो मॉर्निंग हो चुकी है, फुल नाइट ड्राइविंग करने के बाद थोड़ी सी मुझे भाई नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, मैंने झपकी ले ली थोड़ी सी। सो बहुत ज़रूरी था यार, क्योंकि बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैंने 20 मिनट का मैंने थोड़ा रेस्ट ले लिया था। तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, तो व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है और काफ़ी अच्छा मौसम भी हो रहा है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और नज़ारा देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा है, तो दिल खुश हो गया। पिछली बार आया था बिल्कुल रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो पाई थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास, तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी और बारिश भी कंटिन्यू हो रही थी, इसलिए बहुत प्रॉब्लम भी हो रही थी। पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, मौसम एकदम फर्स्ट क्लास है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। होटल में चलना है भाई, एकदम फर्स्ट क्लास जगह आराम आराम करेंगे। सो उससे पहले कुछ चाय वाय नाश्ता हो जाए, देखते हैं आगे कुछ ठीक ठाक कुछ मिलता है कि नहीं। ऐसा चाय वाय पी लेंगे, थोड़ा ताजगी आएगी भाई। भाई कुछ भी कहो यार, नज़ारा काफ़ी अच्छा है यार, देखते हैं। काफ़ी सारे है तो रेस्टोरेंट यहाँ पे, कहीं रुकना पड़ेगा, देखते हैं कहीं रुकते हैं, थोड़ा सा पेट में कुछ चला जाएगा तो अच्छा रहेगा। आई थिंक यहाँ तो कुछ मुझे सबसे मिलेगा भी नहीं। वे अपने पास ड्रोन नहीं है तो ड्रोन शॉट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ड्रोन शॉट वगैरह लेंगे।
अरे दोबारा आना एकदम वसूल हो गया भाई साहब, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। पिछली बार जो चीज नहीं रिकॉर्ड कर पाए थे अब इस बार रिकॉर्ड हो रहा है। कोई ढंग का होटल नहीं मिल रहा यार, थोड़ा फ्रेश फ्रेश भी हो जाएंगे, थोड़ा चाय नाश्ता भी हो जाएगा, बट कोई ढंग का होटल मिल रहा था अपोजिट साइड में मिल रहा है। अब वहाँ से गाड़ी घुमा के लेके जाओ पॉसिबल है नहीं। अब देखते हैं इसी रोड पे आगे तो कोई मिलता है तो ठीक है, जैसे कभी नहीं नहीं चल रहे हैं, रखो है ना। तो दोस्तों भाई रेस्टोरेंट मिल गया है, देखते हैं भाई कुछ है कि नहीं है। सही तो लग रहा है, और क्या चाहिए, जिंदगी का एक ही असूल है। मेरा तो एक ही असूल है, फ्रेश होने से किसी को मत रोको भाई। न्यूट्रल कर देते हैं भाई इसको। कब उतरे आप, उतर गए? लोग जयपुर पहुंच चुके हैं, कभी जयपुर क्रॉस कर रहे हैं, बाकी बीच में थोड़ा सा रुकना पड़ जा रहा है क्योंकि भाई सभी लोगों को नींद आ रही है, थोड़ा थोड़ा झपकी ले रहे हैं सब लोग, सो इसलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग भाई रुक जा रहे हैं बीच में, तो थोड़ा लेट हो गया है। 11 बजे का था रूटीन कोई पहुँचने का, बट हम लोग शाम तक ही, मुझे लग रहा है कि हम लोग इवनिंग तक ही हम लोग पहुँच पाएंगे, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल ट्रैफिक भी लग रहा है, उसके बाद ही कुछ हो सकेगा। रात में खाली रहता है ये, बट रात में ये है कि चलने का मतलब है कि भाई नींद भी आती है, कितना भी कोई सो ले बट हाईवे भैया नींद तो आनी है। दोस्तों 77 किलोमीटर उसमें बचे हुए हैं, जो कि मैंने अपना उदयपुर में अपना ब्लैक होटल बुक कर रखा है। लास्ट टाइम भी मैंने इसी होटल को बुक किया था क्योंकि इसकी सर्विस काफ़ी मुझे अच्छी लगी थी, और मैंने ओयो के थ्रू इसे बुक किया था, सो रेटिंग काफ़ी अच्छी थी वहाँ पे। तो फाइनली मैंने फिर से इसी होटल को वहाँ बुक किया है। सो इसी तरीके से हम कहीं भी जाएंगे तो एक मिनट अरे निकल जाते हैं यहाँ से। कहने मतलब क्या था, हम कहीं भी जाएंगे तो भाई अपना एक होटल या अपना जो भी एक लोकेशन होगा वहाँ अपना एक बुक करके मतलब एक बना लेंगे, मतलब एक जो लोकेशन होगी अपनी तो फाइनल करके ही रखेंगे कि मतलब भाई ढूंढना ना पड़े किसी चीज़ को। मतलब जैसे कि विनायक मैंने कर रखा है तो उनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है, तो दिक्कत नहीं है कि दूसरा होटल ढूंढना पड़े ऐसा कुछ नहीं। बाई चांस कभी फुल है तो हमें फिर देखना पड़ेगा दूसरा होटल, बाकी अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने फ़िलहाल उसी में मैंने बुक कर दिया है। तो आज तो 11 बजे का चेकआउट मतलब चेक इन था, बट हम लोग अभी लेट हो गए, तो शायद हम 6:30 हमें टाइमिंग दिखा रहा है 6:30 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे, तो मेरे साथ तो 7 या 7:30 बज ही जाएगा पहुँचते पहुँचते, देखते हैं। बाकी चेकिंग तो हम कर ही लेंगे कि कल का मैंने चेकआउट किया है, बाकी उन लोगों से बात कर लेंगे जो भी वही मैनेजर होंगे होटल के, तो उनसे बात कर लेंगे भाई और एडजस्टमेंट करवा देंगे अपना डेट का जो भी है, जो भी चार्जेस लगेंगे वो तो उनके ऊपर ही है, वो तो बताएंगे जैसा वो तो पे कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1:27 दिखा रहा है यहाँ, ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच ही गए हैं, बस थोड़ी दिक्कत ये है ना कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पता नहीं कौन सा गांव है, इस रोड पे सबसे ज़्यादा गाय ही मिल रही है, थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो ऐसा ना हो भाई हम गाय में चढ़ जाएं, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड लेके चल रहा हूँ, मैं ज़्यादा किनारे में नहीं जा रहा हूँ, मैं लेफ्ट ज़्यादातर मैं रोड की लेफ्ट साइड ही चलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो भाई, ऐसा ना हो भैया जो भी गाँव माता है उनको भी नुकसान हो, हम लोगों को भी नुकसान हो। तो इसे अच्छा है सेफली भैया नॉर्मली स्पीड में चलो ज़्यादा बेटर है, मैं भी नॉर्मली स्पीड में चल रहा हूँ ताकि भाई हमें भी कोई दिक्कत ना हो, उन्हें और गाँव में तो कभी दिक्कत ना हो। बाकी
पहुँचते हैं फिर बात करेंगे होटल में, देखते हैं कि कब तक पहुँचते हैं। आगे अब तो प्लान ये है कि भाई ब्रेक नहीं लेंगे, सीधे होटल में जाके रुकेंगे, क्योंकि अगर रात होने से पहले पहुँच जाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि भाई रात में यहाँ चलना मुझे सेफ लग नहीं रहा है। तो भाई हल्की हल्की बूंदें गिरने लग गई हैं, अब मुझे ज़्यादा बारिश होगी तो मुझे गोप्रो अंदर करना पड़ेगा, देखता हूँ। अभी भगवान प्लीज़ अभी मत करवाइए बारिश, पहुँच जाने दीजिए, फिर जितना बरसना है बरस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी बरसेंगे तो भैया बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, फिर गोप्रो अंदर ही उठा कर रखना पड़ेगा संभाल के, रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं हो पाई थी, इस बार भाई रिकॉर्डिंग हो जाएगी भगवान की कृपा से। यहाँ पे लिखा है भाई नो पार्किंग नो फोटोग्राफी, पर उसके बावजूद यहाँ सब कुछ होता है। पिछली बार भी लोग सब गाड़ी खड़ी करके सब यहाँ पे वॉकिंग कर रहे थे भाई, जो कि सही नहीं है, तो वो भी रात में। भाई हम लोग निकल गए एकदम मस्त, एकदम मज़ा आ रहा है ना, देखो पूरा बादल एकदम नीचे ही आ गया है, देखो पूरा। स्लो चलाना भाई, बोर्ड में लिखा है, बारिश भी हो रही है, एकदम स्लिपिंग का भी डर है काफी। झुनझुनाने वाले ब्रेकर लगाए हैं भैया, इसके वजह से पूरा ये मोबाइल का होल्डर पूरा ढीला हो जाता है। तो यार अभी हम लोग ना उधर के अंदर इंटर कर चुके हैं, सुबह से 14 मिनट लगेंगे बस, अभी अंदर अपने होटल तक जाना है, तो भैया कमरे हैदर के चला जाए।